कल की जो क्लास हुई थी हमारी, वो इन तीन चार टॉपिक्स के ऊपर हुई थी, जिसके बारे में बुक में इतनी ज़्यादा डिटेल इन्होंने नहीं लिखी है, लेकिन मैंने वैसे ही आपको अलग से बता दिया था। अच्छा, तो अब ये आगे बात कर रहे हैं कि स्टोरिंग इमेजेस ऑन योर साइट, कि आपकी वेबसाइट में जब आप कोई इमेज स्टोर करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे, कहाँ पे करेंगे। इफ़ यू आर बिल्डिंग अ वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच, अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं बिल्कुल शुरुआत से, इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू क्रिएट अ फोल्डर फॉर ऑल इमेजेस। अगर हम अपने VS कोड में आए तो हमने जो इमेज अभी तक लगाकर नहीं देखी, आई थिंक अपनी वेबसाइट पे लगाकर देखी है इमेज का टैग, हमने अभी तक लगाकर नहीं देखा ना, अभी लगा के देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, 3 डॉट इमेजेस, ठीक है, HTML5 images, राइट। index.html, इसमें मैंने एक बेसिक सा ये स्ट्रक्चर लिख दिया, उसके बाद मैंने H1 लगा दिया एक। और अब मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, एक अदद इमेज लगा देता हूँ, मैं img लिखूँगा, ठीक है, img। अच्छा, ये मैंने कैसे किया, ये मैंने इस तरह से किया, तो जूम इन भी कर लेता हूँ, कि मैंने यहाँ पे आके लिखा, किसी भी जगह पे मैंने img लिखा तो नीचे ये सजेशन आ गई। अच्छा, इस सजेशन पे मैंने क्या किया, या तो एंटर प्रेस कर सकता हूँ मैं, या तो टैब का बटन भी प्रेस कर सकता हूँ, दोनों का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। अच्छा, अब नोट करें आप, इसके अंदर एक कर्सर बना हुआ आ रहा है, एक ब्लिंक हो रहा है, दूसरा ब्लिंक नहीं हो रहा, ठीक है। जो ब्लिंक हो रहा है इसका मतलब है कि आप जब टाइप करेंगे तो ये यहाँ पे लिखेगा, और जो ब्लिंक नहीं हो रहा है उसका मतलब है कि वो नेक्स्ट कर्सर ने वहाँ जाना है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे .slash और इमेज का अपने जो भी पाथ है मेरे, वो यहाँ पे लगा दूँगा। अभी मेरे फोल्डर में कोई इमेज नहीं है, अभी मैं लगाता हूँ। अच्छा, वेल, मैंने ये पाथ लगा दिया, उसके बाद मैं दबाऊँगा टैब का बटन, तो ये जो अब नहीं ब्लिंक कर रहा था ना, ये वहाँ पर चला गया। और ये क्या चीज़ है, ये इमेज का अल्टरनेट टेक्स्ट है, कि अगर इमेज किसी वजह से लोड नहीं हो पाई तो ये वाला टेक्स्ट उसकी जगह पे लोड हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यार दिस इज़ माय फर्स्ट, एक्चुअली यहाँ पे ये नहीं लिखते, एक्चुअली यहाँ पे ये लिखते हैं कि इमेज में क्या है। मैं लिख देता हूँ कि भाई 2 people with glasses, सही है, इमेज के अंदर क्या बात लिखी हुई यहाँ पे वो लिखा जाता है एक्चुअली। अच्छा, तो मैं इसके अंदर सोर्स के अंदर ना कोई प्रॉपर इमेज ला के लगा लेता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे फ्री स्टॉक इमेज लिखूँगा मैं, तो ये पिक्सल्स आ गया मेरे पास, मेरे पास अनस्प्लैश आ गया, अनस्प्लैश में चलते हैं और अनस्प्लैश में लिख देते हैं जी हम, ठीक है, ग्लासेस वाली फ़ोटो मुझे चाहिए। टू मेल विथ ग्लासेस, ठीक है, मुझे कोई ऐसी पिक्चर चाहिए जिसमें दो लोग हों। छोड़ो, हम कोई अच्छी इमेज निकालते हैं, हम निकाल देते हैं कि जी रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट की इमेज हमने निकाल ली। तो अभी हम क्या करेंगे, एक्चुअली इस वाली इमेज को, ये रेस्टोरेंट की जो इमेज है उसको एज अ बैनर इमेज इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। डाउनलोड का बटन दबाने के लिए मैंने क्या किया, जस्ट डाउनलोड का जो ये आ रहा है ना यहाँ पे छोटा सा, इस पर क्लिक कर दिया तो ये डाउनलोड हो गई है। अच्छा, इसको क्लिक करके वैसे मैं देख भी सकता था पहले, ठीक है, ये मुझे बता रहा है कि जी इसके कितने व्यूज़ हैं, कितने डाउनलोड्स हैं, और कौन सा इक्विपमेंट और जिसमें इस्तेमाल हुआ है, किस वक्त की ये फ़ोटो है, कहाँ पर की है, ठीक है, ये इन्होंने नाम लिखा हुआ है उस रेस्टोरेंट का जहाँ की ये फ़ोटो है। मज़ीद इन्फो मैं चाहूँगा इसके बारे में तो मुझे ये बता देगा कि ये कितने पिक्सल की इमेज है, क्यों नहीं बता रहा इन्फो। अच्छा, ये कितने पिक्सल की है ये नहीं बता रहा,
और ये इसका क्रिएटर है। अगर मुझे इसके क्रिएटर को चेक करना है तो मैं क्लिक करके इसके क्रिएटर की प्रोफाइल में चला जाऊंगा, और इसकी जितनी टोटल 7.4K फ़ोटोज़ हैं इसकी, यानी कि 7,400 फ़ोटोज़ अभी तक ये खींच चुका है, जो कि सारी यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी फ़ोटो मुझे चाहिए होगी, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। ये क्या खींचा है इसने यार, पानी है ये ना या बादल है, पता नहीं क्या है। अब इसको आप एक्सप्लोर करते रहेंगे तो ये काफ़ी कुछ होगा इसके अंदर। ये कोई ग्लास वाली विंडो है कोई, है तो किसी भी क्रिएटर की जो मज़ीद फ़ोटोज़ हैं वो भी आप उसके नाम पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, फिश गुड। वेल, तो मैंने एक फ़ोटो डाउनलोड कर लिया, उस फ़ोटो में चल के देखते हैं कि वो फ़ोटो किस तरह की है। ये है वो फ़ोटो, और ये कितने पिक्सल की है मुझे यहाँ पे पता लग रहा है। 5,000 पिक्सल ये हॉरिजॉन्टली है, और तकरीबन 4,000 पिक्सल ऑलमोस्ट जो ये वर्टिकली है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है ये एक्स होता है, ये वाला पार्ट जो है वाई होता है हमेशा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स इसका बड़ा है और वाई इसका छोटा है, तो ऑटोमेटिकली हम इसको देख के समझ सकते हैं कि ये एक लैंडस्केप फॉर्म में ये फ़ोटो है मेरे पास। ठीक है, ये पोर्ट्रेट नहीं है, ये एक चौड़ाई में ये फ़ोटो है, लंबाई वाली फ़ोटो नहीं है ये। अच्छा, उसके अलावा इसका जो साइज़ है वो 4.6 MB इसका साइज़ है। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, अभी इसको देखते हैं इसका मज़ीद कुछ करना है। इसको मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ से ड्रैग करता हूँ और मैं अपने VS कोड में लाकर इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, मेरे VS कोड में। अच्छा, इसके लिए मुझे इसने बताया कि क्या करोगे आप एक फ़ोल्डर बना लोगे IMG के नाम से, क्योंकि अभी तो एक इमेज है लेकिन इन फ्यूचर बहुत सारी इमेज हो सकती हैं। मैंने कहा भाई banner.jpg। ठीक है, banner.jpg मैंने उसको बता दिया। अच्छा, अब तो मैं यहाँ पे सोर्स में क्या लिखूँगा, .img/banner.jpg। ये खुद ही सजेशन में आ रहा होता है, ये VS कोड की तरफ से मेरे पास सजेशन आ रही होती है। अच्छा, जब मैं इस पेज को अब चला कर देखूँगा, ओ कहाँ चला गया ये रहा। इस पेज को जब मैं राइट क्लिक करके कॉपी पाथ करूँगा और इसको मैं अपने ब्राउज़र में चलाऊँगा, तो मेरे पास ये इमेज क्या हो गई, यहाँ पे लगी हुई आ गई है। ठीक है, लेकिन ये इमेज क्या हो गई, ये बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में लगी हुई आ गई है, क्योंकि ये इमेज है बड़े साइज़ की, इस वजह से ये बड़े साइज़ में लगी हुई आ गई है। ठीक है, तो ये इमेज बहरहाल यहाँ पर क्या हो गई है, डिस्प्ले हो गई है पूरी की पूरी इमेज। अच्छा, ये पूरी की पूरी इमेज मुझे कितने साइज़ में डिस्प्ले करनी है, मुझे उतने साइज़ में करनी है जितना मेरा डेस्कटॉप का साइज़ है। अच्छा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं ये करूँगा कि इस इमेज को साइज़ इसका छोटा कर लूँगा। ठीक है, अच्छा, अब वो साइज़ छोटा करने वाला जो पूरा है वो आगे अभी वही डिस्कस हो रहा है यहाँ पर। तो ये इमेज का टैग हमने लगाना सीख लिया। और अच्छा, एक इस पर चीज़ है, टाइटल के नाम से भी है। ठीक है, जो टाइटल का जो टैग होता है वो क्या होता है, जब आप इमेज पे हवर करते हैं ना तो वो नज़र आ रहा होता है आपको। ठीक है, टाइटल, तो मैंने टाइटल भी लगा दिया। अब क्या होगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको और अब इसके इमेज के ऊपर मैं हवर करके रखूँगा थोड़ी देर, तो ये टाइटल नीचे लिखा हुआ आ गया मेरे पास। ठीक है, ये टाइटल लिखा हुआ आ गया जो मैंने लिखा था टाइटल में। टाइटल में एक्स्ट्रा स्पेसेस क्यों आ रहे हैं, सही हो गया, ये एक्स्ट्रा स्पेसेस कोड में थे इसलिए यहाँ पे भी आ रहे थे। अच्छा जी, आते हैं जी आगे। हम अब इमेज क्योंकि बहुत बड़े साइज़ में नज़र आ रही है तो मुझे विर्थ और हाइट इमेज की क्या करनी पड़ेगी, सही करनी पड़ेगी। अच्छा, तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे आके बता दूँ भाई इमेज की जो विर्थ है वो क्या है, वो है मिसाल के तौर पर 800 पिक्सल। सही है, तो मेरी इमेज क्या हो जाएगी, यहाँ पे 800 पिक्सल पर दिखने लग जाएगी। लेकिन
ये तरीका जो है इमेज को छोटा करने का ये मुनासिब नहीं है, ठीक है। असल में होना ये चाहिए कि अगर मैं ये ना भी लगाऊं तो मेरी इमेज उतनी ही बड़ी दिखे जितनी बड़ी मुझे स्क्रीन पे दिखानी है, ठीक है। या एक्चुअल में क्या होगा कि मेरी इमेज 800 पिक्सल की होगी तो मैं यहाँ पे 800 लिखूँगा। ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये इमेज का साइज़ छोटा या बड़ा करने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि ये इसका मकसद कुछ और है, वो भी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि इसका मकसद है क्या, ठीक है। तो ये वाला एट्रीब्यूट कभी भी इमेज के साइज़ को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। अच्छा, विड्थ और हाइट हमने देख ली जी। अच्छा, ये बात इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी की हुई है, ठीक है। यही बात इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि आपको जो है ना इमेज का साइज़ आप उतना ही डिफाइन करेंगे जितने की वो है। वेयर टू प्लेस इमेज इन योर कोड। अच्छा, कह रहे हैं कि इमेज आप कहाँ लगाएंगे अपनी पूरे के पूरे कोड में। तो ये थियोरेटिकल बात है, इसका कोडिंग से ताल्लुक नहीं है। कह रहा है कि यार पैराग्राफ से पहले भी हो सकता है, आमतौर पे पैराग्राफ के दरमियान में भी हो सकता है, और क्या कहते हैं पैराग्राफ के अंदर शुरू में भी हो सकता है, पैराग्राफ से पहले भी हो सकता है, पैराग्राफ के अंदर शुरू में भी हो सकता है, और पैराग्राफ के दरमियान में भी हो सकता है। तो ये इसने कुछ अपनी अपनी राय दी है कि यार यहाँ यहाँ पर हम इमेजेस को लगा सकते हैं। अच्छा, कुछ इस तरह का बिहेवियर होगा अगर मैं इमेज को पैराग्राफ के पहले लगाता हूँ। तो आप देखें पैराग्राफ के ऊपर बाई डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा मार्जिन होता है, तो वो इसको फासला करके इसने रखा हुआ है। पैराग्राफ के अंदर पहली लाइन में अगर मैं इमेज लगा दूँ तो कुछ इस तरह से दिखेगा, क्योंकि इमेज जो होता है वो इन लाइन एलिमेंट होता है, वो इमेज जो है वो ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता है, इमेज इन लाइन एलिमेंट होता है। तो इन लाइन एलिमेंट का मतलब क्या होता है, अभी हम वो आगे CSS में हम डिटेल में इस बात को पढ़ेंगे। इन लाइन एलिमेंट में जहाँ जगह मिलती है वहीं पे वो शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब और ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, ब्लॉक एलिमेंट एक नई लाइन में शुरू होता है, उसको अगर जगह मौजूद भी हो तो वो उस लाइन में कंटिन्यू नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है एक नई लाइन में अपने आप को स्टार्ट करता है और अपनी लाइन में किसी और को आने भी नहीं देता। जैसे कि H1 है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। तो H1 ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, लेकिन इमेज क्या है, इन लाइन एलिमेंट है। तो आप नोट करें पैराग्राफ के दरमियान में जब इसको लिखा है हमने तो वो पैराग्राफ के टेक्स्ट के साथ साथ ही चल रहा है, और जब पैराग्राफ के दरमियान में भी जाके उसको इस तरह भी लिखते हैं तो ये क्या होता है कि टेक्स्ट के फ्लो में अपने आप को ये क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। अच्छा, लेकिन उससे एक मसला ये होता है कि मेरा जो टेक्स्ट है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा फासला आ गया है, पहली लाइन में और दूसरी लाइन में काफ़ी ज़्यादा फासला आ गया है, ठीक है, मेरे टेक्स्ट के अंदर। अच्छा, अब इसका क्या सॉल्यूशन है, ये CSS के ज़रिए हम करते हैं, तो CSS में जब हम पहुँचेंगे तो इसको हम देख लेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन करना है हमने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी इन्होंने ब्लॉक लेवल और इन लाइन एलिमेंट को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये आपने क्या करना है, ख़ुद से इसको पढ़ना है आपने, ठीक है। ओल्ड कोड को हम छोड़ देते हैं। अच्छा, अब ये इसने एक न्यू कोड बताया, और सॉरी ये ओल्ड कोड का इसने रिज़ल्ट बताया कि अगर इसको इस तरह से करना हो ना तो एक तरीका उसका उन्होंने सजेस्ट किया है, लेकिन हम वो तरीका फॉलो नहीं कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। अलाइनिंग इमेज वर्टिकल, ये भी ओल्ड कोड है, हम ये काम इंशाल्लाह फ्लेक्स बॉक्स से करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मज़ीद यहाँ पे थियोरेटिकल कुछ बातें आ गई हैं जो हम अपनी इमेज पे अभी अप्लाई करके भी देखेंगे, ये वाली सारी बातें। थ्री रूल्स फॉर क्रिएटिंग इमेज। जब आप कोई इमेज बना रहे होंगे तो उसके लिए तीन रूल है। अच्छा, जब ये कह रहा है ना क्रिएटिंग इमेज, जब आप इमेज बना रहे होंगे तो वो देखें हर बिज़नेस अपनी इमेज को जो बनाता है ना उसकी जो सीरियसनेस होती है उस इमेज को लेके वो वेरी कर सकती है, कंपनी टू कंपनी या बिज़नेस टू बिज़नेस या डिपेंडिंग ऑन के वो कितनी बड़ी कंपनी है या वो इसको लेके कितना सीरियस है इन चीज़ों को लेके। तो सम टाइम ऐसा होगा कि कोई कंपनी बाकायदा फ़ोटोग्राफ़र हायर करेगी और वो रियल मॉडल्स होंगे और उनकी वो फ़ोटो को कैप्चर करेगा, या जो डिशेस अगर कोई रेस्टोरेंट है तो वो रियल डिशेस होंगी उसकी वो फ़ोटो को कैप्चर करके और जो है ना उसको वो प्रोसेस करेंगे फ़ोटोशॉप के ऊपर और फिर वो आपको मिलेगी एज अ डिवेलपर। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि फ़ोटोग्राफ़र वगैरह हायर करने के लिए ऑप्शन नहीं होता, क्या कहते हैं, या मॉडल हायर करने के लिए ऑप्शन नहीं होता कंपनी के पास, या बजट इतना नहीं होता सम टाइम, तो फिर वो क्या करते हैं
वो स्टॉक इमेजेस पे भी रिलाई कर सकते हैं। तो स्टॉक इमेजेस या तो वो किसी से बाय कर लेते हैं, या जो फ्री स्टॉक इमेजेस हैं उसमें से आपको पहले से ही सेलेक्ट करके वो इमेजेस पकड़ा देते हैं कि जी ये इमेजेस आपने क्या करनी है, लगानी है। या मे बी अगर कोई लो बजट की भी कंपनी है तो उसने बोला चलो फोटोग्राफर तो नहीं हायर कर सकते, फ़ोन उठाया और फ़ोन से उठा के फ़ोटो खींच दी और आपको दे दी, ठीक है। तो इट वुड वेरी बिजनेस टू बिजनेस कि जो है ना वो किस तरह से उस इमेज को मतलब लेकर आते हैं वेबसाइट के पास। अच्छा, लेकिन ये वाली जो जो थ्री रूल्स है ना, ये कब आएंगे आपके पास? ये आपके पास जब आएंगे, जब इमेज आपके हाथ में पहुंच जाएगी ना, तो ये जब के रूल हैं सारे, ठीक है। क्योंकि अगर फोटोशॉप वाला बंदा है, उसने आपको इमेज एडिट वेडिट करके दे दी है, ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसने वेब के लिए उसको ऑप्टिमाइज़ किया हो। बावजूद इसके कि फ़ोटोशॉप के अंदर एक ऑप्शन मौजूद होता है, जब हम किसी भी फ़ोटो को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर एक ऑप्शन मौजूद होता है ऑप्टिमाइज़ फॉर वेब, सही है, इस नाम से एक ऑप्शन होता है उसमें, जिसमें अभी हम उसको एक्सप्लोर भी करेंगे आज यहाँ पे, कि उस ऑप्शन के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज को वेब के लिए हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो वो जो ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट है ना, ये वही तीन रूल उसके बारे में। तो उसको हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं, फिर हम उसको करके देखते हैं। अच्छा, देर आर थ्री रूल्स टू रिमेंबर व्हेन यू आर क्रिएटिंग इमेज फॉर योर वेबसाइट व्हिच आर समराइज्ड बिलो। वी गो इन टू ग्रेटर डिटेल ऑन ईच टॉपिक ओवर द नेक्स्ट 9 पेजेस। अगले 9 पेजेस पे कह रहे हैं हम इसको डिटेल में एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, सेव इमेज इन राइट फॉर्मेट, सेव इमेजेस एट राइट साइज, यूज़ द करेक्ट रेजोल्यूशन। तो ये तीन बातें यहाँ पे हो रही हैं। अच्छा, अब जो है इसके लिए टूल कौन सा इस्तेमाल होगा, ये कह रहे हैं कि यार मे बी फोटोशॉप या उस जैसा कोई मिलता जुलता सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। अच्छा, अदर सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी यहाँ पे कुछ बात की है जी, पिक्सल मैटर, पता नहीं ये पुराने सॉफ्टवेयर्स हैं, एडोब फायरवर्क और पिक्सलर और पता नहीं स्प्लैश अप, इसका मैंने नाम नहीं सुना इनका। तो यहाँ पे जी एक इमेज की इन्होंने एग्जांपल दी है, वो बता रहे हैं कि इस फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर पे ये चीज़ें सारी हो रही होंगी। तो हम फोटोशॉप नहीं यूज़ करेंगे, हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर है जो फोटोशॉप से बिल्कुल मिलता जुलता है, ये काइंड ऑफ आप समझ लें कि ऑनलाइन वर्जन ऑफ फोटोशॉप है। तो ये एक इमेज आ गई जी। अच्छा, इस इमेज में आप क्या देख पा रहे हैं कि आसमान है वो ऑलमोस्ट वाइट है और ज़मीन जो है वो भी ऑलमोस्ट वाइट है, उसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है शायद, और इसमें मोस्टली जो है वो ब्लैक और वाइट के ही कोई ना कोई शेड्स हैं, और थोड़ा सा येलो है जहाँ पे वुड है लेकिन रेड भी है साथ में। अच्छा, इसी तरीके से आप यहाँ पर देखें इस वाली इमेज में और इस वाली इमेज में भी देखें, ये तीनों एग्जांपल्स जो हैं ये किसकी है, ये JPEG इमेज फॉर्मेट की है, JPEG या JPG एक ही बात है ऑलमोस्ट, ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क है इसके अंदर लेकिन ऑलमोस्ट एक ही बात है। तो ये कह रहे हैं कि जी व्हेन एवर यू हैव मैनी डिफरेंट कलर्स इन अ पिक्चर यू शुड यूज़ JPEG फॉर्मेट, सही है, JPEG या JPG ये एक ही बात है। अ फोटोग्राफ दैट फीचर्स स्नो और एन ओवरकास्ट स्काई माइट लुक लाइक इट हैज़ लार्ज एरिया दैट आर जस्ट वाइट और ग्रे, बट पिक्चर इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दैट आर सबटली डिफरेंट। कह रहे हैं कि इसमें इमेज में आपको लग रहा होगा कि आसमान तो वाइट है पूरा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अगर मैं इसको मूव करूँगा यहाँ पे से, तो अब देखें हर पिक्सल का एक मुख्तलिफ कलर है, हर पिक्सल का एक मुख्तलिफ कलर है, ठीक है। इसी तरीके से जो इसका स्नो है, स्नो को भी अगर मैं हल्के हल्के ऐसे मूव करूँ तो आपको फील होगा कि इसके अंदर जो है वो बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं। तो जब ऐसी इमेज होगी कोई जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स होंगे, ठीक है, अगर आप इसको देखें तो हर पिक्सल का एक मुख्तलिफ कलर है। आपको पता है इमेजेस जो है वो क्या बनती हैं, पिक्सल से मिलके बनती हैं। तो ऐसी इमेज जिसमें बहुत ज़्यादा कलर्स होंगे या हर पिक्सल का डिफरेंट कलर होगा, तो उसमें ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, JPG का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, कुछ और भी मज़ीद एग्जांपल्स यहाँ पर आ गई हैं आपके पास, किसकी, JPG इमेज की, ठीक है, ये सारी JPG इमेज की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, आप जो फ़ोन में फ़ोटो खींचते हैं वो भी मोस्टली क्या होती है, JPG फॉर्मेट में वो फ़ोटो ले रहा होता है, क्योंकि फ़ोन से खींची गई फ़ोटो जो है उसमें हमेशा जो है वो
कलर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि आप किसी भी तरफ पॉइंट करेंगे तो कलर्स बहुत सारे उसको आप दे रहे होते हैं एक्चुअली। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स आ गई हैं जिफ इमेज की, ठीक है, इसको देखें और ज़रा मुझे बताएं आप लोग कि इसमें और जेपीजी वाले में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, व्हाट डू यू थिंक? इसमें सिर्फ दो ही कलर हैं और ये तीनों एग्जांपल की बात हो रही है। जिफ अक्सर मूव होता है जो जेपीजी वाले से, ये इमेज जो है वो कैसे डिफरेंट है, ये जरा सा इस पे अपना ओपिनियन दें आप लोग। अच्छा, देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है, ठीक है, ये भी PNG और जिफ की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। यूज़ जिफ और PNG फॉर्मेट व्हेन सेविंग इमेजेस विद फ्यू कलर्स और लार्ज एरिया ऑफ सेम कलर, ठीक है। इसका मतलब है बुक आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि बुक अगर आप पढ़ते तो ये लाइन आपको पता होती। सही है, अब बुक आप में से कोई भी नहीं पढ़ रहा है, ऐसा ही है ना, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये बात ज़रा देख लेते हैं। व्हेन अ पिक्चर हैज़ एन एरिया दैट इज़ फिल्ड विद एग्जैक्टली द सेम कलर, इट इज़ नोन एज फ्लैट कलर्स। लोगोज, इलस्ट्रेशंस, डायग्राम्स ऑफन यूज फ्लैट कलर्स, ठीक है, जैसे कि ये लोगो है, फ्लैट कलर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। या मिसाल के तौर पे एक डायग्राम हमारे पास यहाँ पे आ रही थी, ये डायग्राम या ये चार्ट, ये एक्चुअली लोगो है शायद ये, ठीक है, ये चार्ट फ्लैट कलर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो कह रहा है कि ये फ्लैट जो कलर्स हैं ना, लोगोज, इलस्ट्रेशंस एंड डायग्राम्स ऑफन यूज फ्लैट कलर्स, नोट दैट फोटोग्राफ्स ऑफ स्नो, स्काई और ग्रास आर नॉट फ्लैट कलर्स, दे आर मेड अप ऑफ मैनी सब्टली डिफरेंट शेड्स ऑफ सेम कलर एंड एज एंड आर नॉट सूटेड फॉर जिफ एंड PNG। कह रहे कैमरे से खींची गई इमेज ना जिफ और PNG के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। तो हमें जो ये वाली जो इमेज है हमारी, ये कौन से फॉर्मेट में बेस्ट रहेगी? जेपैग में बेस्ट रहेगी। तो अगर ये इमेज मुझे दी है फोटोग्राफर ने या फोटोशॉप वाले बंदे ने प्रोसेस करके या ऑनर ने खुद कैमरे से खींच के मुझे दे दी है, तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूँगा इसका फॉर्मेट। अगर JPG नहीं है तो मैं कोई ऑनलाइन कन्वर्टर या कोई फोटोशॉप या कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर से उसको मैं क्या करूँगा, JPG में कन्वर्ट करूँगा सबसे पहले। अच्छा, JPG में कन्वर्ट करते ही सबसे बड़ा जो मुझे फ़र्क देखने में मिलेगा वो इसके साइज़ में बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। इसका जो भी साइज़ होगा, अगर PNG में इसको मैं सेव करूँ और JPG में सेव करूँ, तो PNG में सेव करने में इसका साइज़ ज़्यादा हो जाएगा काफ़ी, ठीक है, और JPG में इसका साइज़ ज़रा कम रहेगा और स्टिल ये सही दिख रही होगी इमेज, क्योंकि ये बनी JPG जो फॉर्मेट है वो बना इसीलिए पिक्सल बाई पिक्सल वाली इमेज के लिए। अच्छा, और अगर PNG टाइप की फ़ोटो हुई कोई सॉलिड कलर वाली, तो उसमें बेस्ट ये रहेगा कि उसको मैं PNG में स्टोर करूँ। अगर उसको मैंने JPG में स्टोर किया तो वो पिक्सलेट जल्दी होगी शायद, ठीक है, पिक्सलेट शायद वो मज़ीद जल्दी होगी, और PNG में स्टोर करने से भी उसका साइज़ भी रिड्यूस होगा, उसका साइज़ एकदम रिड्यूस हो जाएगा। यानी सम टाइम ऐसा होता है कि जो सॉलिड कलर वाले PNG के लोगो होते हैं वो जस्ट 4-5 KB उसका साइज़ होता है, ठीक है, और उसी को अगर आप JPG में करते हैं तो 40-50 KB, 100 KB उसका साइज़ हो जाता है। तो 4-5 KB और 100 KB में बड़ा डिफरेंस है। लेकिन स्टिल सॉलिड कलर वाले जो इमेजेस हैं उसके लिए बेस्ट सूटेड ये है कि जब उसको बनाया जाए तो वो डायरेक्ट PNG में बनाया जाए। अगर तो उसको JPG में बना दिया है और फिर वापस PNG में लेके जाएंगे तो वो एफिशिएंसी लूज़ कर जाएगा। तो
तो पीएनजी और जिफ वाली जो इमेज है उसके लिए बेस्ट सूटेड ये कि वो बनाया ही उसको पीएनजी में जाए इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। अच्छा, वो पीएनजी और जिफ वाली जो चीज़ें हैं वो आमतौर पे कैमरे से कैप्चर नहीं होती हैं। जैसे ये लोगो होता है ये एडोब इलस्ट्रेटर पे बनता है, ये लोगो इलस्ट्रेशन, ये चार्ट वगैरह, ये एडोब इलस्ट्रेटर पे तैयार होता है, या किसी जैसे पेंट की ऐप है कोई या इस तरह की, हाँ फिग्मा विग्मा कोई है ऐसी चीज़, तो उसके ऊपर ये क्या हो रहा होता है, तैयार हो रहा होता है। तो बेस्ट ये है कि इसको बनाया ही उस फॉर्मेट में जाए, इसको कन्वर्ट ना किया जाए। अच्छा जी, इमेज डायमेंशंस, द इमेज यू यूज़ ऑन योर वेबसाइट शुड बी सेव्ड एट द राइट विड्थ एंड हाइट दैट यू वांट देम टू अपेयर ऑन द पेज। कह रहे हैं कि वो एग्जैक्टली उतने का ही होना चाहिए जितने का आप उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि जी आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी इमेज में कोई पार्ट ऐसा है जो आपके लिए अनवांटेड है तो आप उस पार्ट को उस हटा सकते हैं, ठीक है, और इमेज को क्या कर सकते हैं, अपनी रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपकी इमेज क्या हो जाएगी, जो पहले से छोटी हो जाएगी आपकी इमेज, लेकिन नतीजा क्या होगा कि आपको आपके मतलब का पार्ट मिल जाएगा और बाकी अनवांटेड जो हिस्सा है वो आप हटा देंगे उसमें से। अच्छा, लेकिन इससे एक सीन ये होगा कि इमेज का जो जो साइज़ है जो पिक्सल में, वो इन्होंने आधा कर दिया। अगर ये 1000 पिक्सल की इमेज थी तो इसको अब इन्होंने 500 पिक्सल का कर दिया, ठीक है, तो इमेज का साइज़ आधा हो गया है, लेकिन स्टिल दिस इज़ पॉसिबल, ये किया जा सकता है। अच्छा, फिर ये वाला अब है कि जी एक इमेज का साइज़ छोटा है, मिसाल के तौर पर 500 पिक्सल की एक इमेज है। अच्छा, आपने उसको पूरी स्क्रीन पर फुल करके दिखाना है, तो क्या आप उसका साइज़ बढ़ा देंगे, 1000 पिक्सल उसको कर देंगे आप 500 से? अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि इमेज जो है वो पिक्सलेट हो जाएगी, ठीक है, इमेज क्या हो जाएगी, ब्लरी फील करवाएगी वो। इन्होंने लिखा है कि यू कांट इंक्रीज द साइज़ ऑफ फोटोग्राफ सिग्निफिकेंटली विदाउट अफेक्टिंग द इमेज क्वालिटी। कह रहे हैं कि आप इसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते, इंक्रीज़ करेंगे तो क्वालिटी पे अफेक्ट पड़ेगा उसके, ब्लरी फील कराएगी। अच्छा, चेंजिंग द शेप, ओनली सम इमेजेस कैन बी क्रॉप विदाउट लूजिंग द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि जी आपकी एक इमेज थी जो मिसाल के तौर पे ज़रा 1000 बाई 1000 की इमेज थी, यानी कि स्क्वायर इमेज थी, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको जी मैं क्या कर दूँ, थोड़ा सा लैंडस्केप में बना दूँ। मिसाल के तौर पे आप इसको बैनर के तौर पे लगाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारी जो इमेज है इस वक्त, हमारी भी इमेज जो है वो क्या है, काइंड ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, इसको बैनर पे लगाने के लिए मुझे इसको 16:9 के रेशो पे लाना है, है ना, 16:9 के रेशो पे इस वक्त नहीं है, तो मुझे बैनर के लिए मोस्ट प्रॉब्ली इसको ऊपर से और नीचे से कुछ डिटेल इसकी काट के हटानी पड़ेगी मुझे, जब भी ये एक यानी फेसबुक पे जिस तरह का बैनर होता है उस तरह की शेप में ये जब ही आएगा। तो कह रहा है कि अगर आपने यही वाला इस तरह का काम करना है, तो कह रहा है कि कुछ इमेजेस में ये किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर इमेजेस में ये होगा कि आप जब ये काम करेंगे तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो उस इमेज में मौजूद है वो क्या हो जाएगी, लूज़ हो जाएगी वो। इसका नीचे इन्होंने एग्जांपल भी करके बताई है। कह रहे हैं कि जी ये पोर्ट्रेट इमेज थी एक, इसको आपने क्या करना था, कट करके लैंडस्केप बनाना था, लेकिन जब इसको आप लैंडस्केप बनाते हैं तो इसकी गर्दन बेचारे की गायब हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर इसको साइडों में स्पेस भी दे के कर सकते हैं, ठीक है, जो अक्सर आजकल आप देखेंगे कि ये इंस्टाग्राम पे जो यही कर रहे होते हैं लोग, क्योंकि इंस्टाग्राम लेता है स्क्वायर इमेज पूरी, तो अगर किसी की इमेज ज़रा लंबी होती है तो साइडों में वो ब्लर सा एक स्पेस आ जाता है, तो वो उस तरह से भी इन्होंने मना किया है। इन्होंने कहा यार वेबसाइट पे ये अच्छी बात नहीं होती, ये इंस्टाग्राम टिकटॉक पे तो हद तक सही है, लेकिन वेबसाइट पे आपने ये काम नहीं करना। अच्छा, इसी तरीके से कोई लैंडस्केप थी उसको भी पोर्ट्रेट बनाने में इसकी सूंड कट गई है, ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन कि अगर वाकई क्या इसकी सूंड इतनी इंपॉर्टेंट थी उस बिज़नेस के लिए जो कटनी नहीं चाहिए थी, मेरे हिसाब से तो ये इमेज सही है, मतलब थोड़ी सूंड तो दिख रही है, रिकग्नाइजेबल है स्टिल ये हाथी, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है उस बिज़नेस के लिए उसकी सूंड, हो सकता है उसने वो हाथी के पहनने वाला कोई पोनी बनाया हो जो वो सूंड पे पहनती हो और वही गायब हो गया इसमें से। होगा ना, यहाँ पे कोई सूंड में पोनी बांधी है उसने। अच्छा, इमेज रेजोल्यूशन, इमेज रेजोल्यूशन की जो बात है वो क्या है, वो ये है कि इमेजेस क्रिएटेड फॉर द वेब शुड बी सेव्ड एट
अ रेजोल्यूशन ऑफ 72 PPI. 72 PPI का मतलब है पिक्सल पर इंच. द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज द लार्जर द साइज ऑफ द फाइल. कह रहे हैं कि इस रेजोल्यूशन से भी ताल्लुक है कि जो फाइल का साइज है वो कितना होगा, इस रेजोल्यूशन से भी ताल्लुक है. अच्छा, अब कौन मुझे ये बता पाएगा इस PPI के बारे में आप क्या जानते हैं? आप में से कोई बंदा है जो इस PPI के बारे में कुछ जानता है तो वो शेयर करें प्लीज. पिक्सेल्स पर इंच, 1 inch पिक्सेल, 1080p की डिस्प्ले होती है उसमें ओवरऑल जो होता है ना पर इंच 1080 पिक्सल होता है. सही है, पिक्सल पर इंच के 1 inch में कितने पिक्सल होते हैं, किसके 1 inch में? पिक्सेल्स के रेजोल्यूशन पर डिपेंड करता है. पिक्चर के 1 inch में पिक्सेल्स और पिक्सल पर इंच में सर ज्यादा पिक्सल होंगे तो रेजोल्यूशन अच्छा होगा, अगर कम होंगे तो रेजोल्यूशन बैड होगा. हां जी दोस्तों, बाकी लोग भी शेयर करें अपना ओपिनियन. अच्छा, अभी हम पिक्सल पर इंच पे हम आते हैं, थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, उससे पहले ना इस पे हम वापस आते हैं क्योंकि इसके ऊपर डिस्कशन हमारी ज़रा सा लंबी होगी PPI के ऊपर. हम ये करते हैं, इस फोटो को पहले तो एडिट कर लेते हैं और जो अभी तक हमने वो फॉर्मेट वाला मंजन पढ़ा है ना उसको ज़रा सा अप्लाई करके देख लेते हैं. अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने कहा फ़ोटो या अच्छा ये इसका जो है ना ये इसका URL है. इसकी सही प्रोनाउंसिएशन शायद फ़ोटो पी है, जो दाल वाला पी होता है, लेकिन हम इसको कहते हैं फोटोपिया. नहीं, फोटोपिया जो है वो थोड़ा यूटोपिया वाला साउंड है ना इसके अंदर. यूटोपिया समझते हो ना क्या होता है? यूटोपिया, UTOPIA, यूटोपिया डिस्टोपिया नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, ये होता है यूटोपिया. और एक होता है डिस्टोपिया, ये होता है डिस्टोपिया. एक्चुअली जो नॉवेलिस्ट है ना जो और जो फिल्म डायरेक्टर्स हैं उन्होंने ये टर्म डिवाइस किए कि यूटोपिया और डिस्टोपिया. ये एक्चुअली फ्यूचर है, एक है यूटोपियन फ्यूचर, एक होता है डिस्टोपियन फ्यूचर. तो कुछ डायरेक्टर्स का और कुछ नॉवेलिस्ट का ये ख्याल है और इवन कुछ साइंसदानों का भी ख्याल है कि हमारा जो आने वाला फ्यूचर है आज से 100 साल या 500 साल या 1000 साल बाद वो यूटोपियन फ्यूचर होगा. यूटोपियन फ्यूचर में जो है वो टेक्नोलॉजी ह्यूमंस को बड़ा नफ़ा पहुंचा रही है, बड़ी अच्छी है टेक्नोलॉजी, ठीक है, और बड़े अच्छे मज़े में रह रहे हैं लोग, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे. ये यूटोपियन फ्यूचर है, आप इसमें देखें ये सारा ना टेक्नोलॉजी आपको दिख रहा है, ये चेयर लिफ्टें लगी हुई हैं और बड़ा हरा भरा चल रहा है सब, है ना. ये देखें आप, यूटोपियन फ्यूचर है ये, इसमें वो सारी बिल्डिंग शिल्डिंग है सारी, कोई कचरा कुछ भी नहीं है, सब ज़बरदस्त, सब अच्छा चल रहा है. ये आप देख रहे हैं इन्वायरमेंट बिल्कुल क्लीन हो गया है, ये हवा में मुअल्लक हैं ये सारे ना, नोट कर रहे हैं आप. ये पहाड़ भी हैं, दरख्त भी हैं, सब कुछ है, दरख्त भी बल्कि हवा में मुअल्लक हैं ये, है ना. हाँ, दो दो चांद, एक आर्टिफिशियल चांद बना के लगाया हुआ है, एक पुराना वाला है हमारा. तो यूटोपियन फ्यूचर जो है उसके अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो गुड है, गुड यूजर्स ऑफ टेक्नोलॉजी है. हवा में उड़ रही हैं कारें, नीचे रोड साफ़ है और हवा में कारें उड़ रही हैं, ठीक है. तो और यूटोपियन फ्यूचर में इवन डेथ का भी क्योर बताया जाता है कि जी एक पॉइंट ऐसा आएगा यूटोपियन फ्यूचर में कि डेथ का क्योर होगा, जितनी भी जो बीमारियां हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी और बंदे अनलिमिटेड लाइफ होगी बंदे की. तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, इसका जो आपको एग्जांपल है बहुत सारी मूवीज़ में देखने को मिलेगी. जैसे एक मूवी है अल्टर कार्बन, उसके अंदर यूटोपिया और डिस्टोपिया का थोड़ा मिक्सचर दिखाया है, तो उसमें ये चीज़ दिखाते हैं कि वो डेथ का क्योर है उसके अंदर. उसमें ये होता है कि आप कॉन्शियसनेस को एक बॉडी से निकाल के दूसरी बॉडी में डालते हैं, कंपनी होती है बॉडी मैन्युफैक्चर करके निकाल रही होती है, आपको जो बॉडी अच्छी लगे ना वो आप बाय करते हैं
और अपना कॉन्शियसनेस उसमें आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो अनलिमिटेड उसके अंदर लाइफ दिखाते हैं। अच्छा, तो गुड यूजर्स ऑफ टेक्नोलॉजी के जी सब अच्छा चल रहा है और टेक्नोलॉजी। अच्छा, डिस्टोपियन फ्यूचर जो है उसमें वो कहते हैं कि जी हकूमत मशीनों की है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं हकूमत मशीनों की है, और ह्यूमंस जो हैं वो काइंड ऑफ एक स्लेव हैं मशीनों के हाथों, एआई जो है उसने टेक ओवर कर लिया पूरी दुनिया पे। तो काइंड ऑफ एक डिस्ट्रक्टिव साइड दिखाते हैं टेक्नोलॉजी की, और कुछ कुछ डायरेक्टर्स का, कुछ नॉवलिस्ट का ख्याल है कि हमारा जो फ्यूचर है वो इस तरफ जा रहा है, डिस्टोपिया की तरफ जा रहा है। तो ये यूटोपियन और डिस्टोपियन दो टाइप ऑफ फ्यूचर्स हैं। अच्छा, तो डिस्टोपियन फ्यूचर में भी फिर मज़ीद वो आगे और कैटेगराइज करते हैं। आप कुछ मूवीज़ देखेंगे ना, उसको कहते हैं वो पोस्ट एपोक्लिप्टिक मूवीज़। तो एपोक्लिप्स जैसे हम कहते हैं ना कयामत, तो गोरों के नज़दीक उसको वो एपोक्लिप्स कहते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये होता है कि एपोक्लिप्स पे दुनिया एंड हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, और हम सब लोग फिर ट्रांसफ़र हो जाएंगे एक दूसरी दुनिया में, यानी कि या तो जन्नत या तो जहन्नम, ठीक है, वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस जगह पर क्या होगा उसके बारे में अल्लाह ताला ने कुछ हमें जिक्र नहीं किया। इनके ख्याल में यहाँ पे एपोक्लिप्स के बाद भी चीज़ें होंगी, मौजूद होंगी। तो कुछ मूवीज़ होती हैं वो पोस्ट एपोक्लिप्टिक होती हैं, जैसे टर्मिनेटर जो मूवी है ना, वो असल में पोस्ट एपोक्लिप्स है, कि वो एक एआई का एपोक्लिप्स आता है, वो रोबोट पूरी दुनिया को ख़त्म कर देते हैं और ह्यूमंस को हंट कर रहे होते हैं वो, तो वो एक एपोक्लिप्स होता है और उसके बाद की वो जगह दिखा रहे होते हैं दुनिया। तो वो डिस्टोपियन के अंदर ना फिर वो इस तरह और भी दो चार हैं, एक पोस्ट एपोक्लिप्टिक है, एक जस्ट डिस्टोपियन है। जैसे अल्टर कार्बन मैंने जिक्र किया मूवी का, तो उसमें वो असल में ये दिखाते हैं कि जो दो क्लासेस बनी हुई होती हैं उसके अंदर, एक होते हैं बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले जिनकी अनलिमिटेड लाइफ होती है, और एक होते हैं गरीब, तो उनसे उनकी बॉडी छीन ली जाती है, क्योंकि बॉडी में ट्रांसफ़र होता है ना, तो उनको बॉडी छीन लेते हैं उसकी, और उसके जो कॉन्शियसनेस है उसको स्टोर कर देते हैं, कैद कर देते हैं एक्चुअली उनको। तो इस तरह की वो डिस्ट्रक्टिव चीज़ें भी मतलब डायरेक्टर्स ने सोची हैं कि यार अच्छा शायद इस तरह हो जाए। वेल, ये सारी चीज़ें एक अजम्पशन है, एक फिक्शन है और एक स्पेकुलेशन है। इसकी क्या हकीकत है वो तो वक्त बताएगा, और एपोक्लिप्स जो है वो तो हक है, ज़ाहिर क़यामत एक ना एक दिन आनी है, और क़यामत से पहले जो इवेंट्स होंगे वो भी अहादीस में और कुरान में कसरत से उसके बारे में ज़िक्र मिलता है, और कुछ जगहों पे उसके ऐसे इवेंट्स भी मिलते हैं जो यूटोपियन है, और कुछ जगहों पे ऐसे भी इवेंट्स मिलते हैं जो डिस्टोपियन है। जैसे कि क़ुर्ब क़यामत में एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़मीन अपनी सारी नेमतें उगल देगा, और हदीस में मौलाना ज़िक्र करते हैं कि वो ज़मीन से इतनी नेमतें बाहर आ जाएंगी, और जो सारी चीज़ें हैं ना वो साइज़ भी बड़ा होगा उनका, तो एक लीमू जो छोटा सा होता है वो ऊँट के पेट के जितना बड़ा होगा एक लीमू, है ना। तो ये आपने भी सुनी होगी ये वाली हदीस, तो वो शुरू हो गया बाई द वे, ये शुरू हो गया है। आपको बताऊँ मैं, क्योंकि अभी फर्टिलाइज़र्स ऐसे आ गए हैं कि जो पहले जो खेत एक मन गंदम उगाती थी अब वो दस दस मन गंदम उगा रही है, जिनका किसी फार्मिंग वगैरह से लेना देना है उनको ये बात पता होगी। और इवन अभी एक एक लहसुन इन्होंने तैयार किया, जी वन गार्लिक, हाँ, तो जी वन जो है गार्लिक की एक उन्होंने ब्रीड तैयार की है, वो एक लहसुन जो है ना इतना बड़ा होता है कि 1 kg तक होता है, एक लहसुन इतना बड़ा होता है, और वो जो उस लहसुन का पूरा जो क्या खोशा कहते हैं उसको, जो पूरा एक खोशा है उस लहसुन का जिसमें वो छोटे छोटे 8-10 लहसुन लगे होते हैं, तो वो एक तरबूज से भी ज़्यादा बड़ा साइज़ है उसका, इतना बड़ा साइज़ है। तो वो एक लहसुन जो पूरा तरबूज है लहसुन का, उसमें से एक लहसुन अगर निकाल लेना तो शायद एक घर में वो काफ़ी दिन तक चलेगा। और अभी क्या होता है, हम 100 रुपए का या 50 रुपए का लहसुन लेते हैं तो हमें वो 3-4 वो उस तरह के खोशे देता है। तो ये इसका आगाज़ हो चुका है ऑलमोस्ट। अच्छा, इसी तरीके से डिस्टोपियन भी कुछ ना कुछ इवेंट्स हमें नज़र आते हैं, जैसे कि जब काना दज्जाल आएगा तो वो एक इवेंट है, वो एक डिस्टोपियन इवेंट है, जिसमें वो काना दज्जाल जो है वो एक हाथ में अपने जन्नत और एक हाथ में दोजख लेके घूम रहा होगा। मतलब ऐसा फील होगा लोगों को कि ये वो बताएगा खुद कि ये जन्नत ये दोजख है, ठीक है, वो काइंड ऑफ एक इल्यूजन भी होगा, और वो पता नहीं 24 घंटे में पूरी दुनिया में, पता नहीं 40 दिन में पूरी दुनिया में वो चक्कर मारेगा, और सारे लोगों को जो है ना वो बोलेगा भाई बता किस में जाना है, उठाएगा यूँ चल मेरा भाई हो गया तेरा काम, तो डॉलर भी होगा वो, उसके बारिश भी करके दिखाएगा वो, और
मुर्दों को जिंदा करेगा वो, कब्र से निकलेंगे बाहर, वो बोलेंगे कर भाई बात कर इससे, तेरा अब्बा निकाला है मैंने कब्र से। बंदा अपने अब्बे से बात करेगा, अब्बा बोलेगा भाई ये सही है इसको फॉलो करो, ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो क्या होगा, वो शैतान होगा। तो ये डिस्टोपियन काइंड ऑफ, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी होगी काइंड ऑफ कोई ऐसी जिससे वो कुछ करेगा तो वो बारिश हो जाएगी, कुछ करेगा तो वो जलजले आ जाएंगे। और इसी तरीके से याजूज माजूज वाला एक इवेंट हमें देखने को मिलता है क़ुर्ब क़यामत में, किसी पॉइंट पे वो आएंगे याजूज माजूज, तो वो भी काइंड ऑफ एक डिस्टोपियन फ्यूचर है, कि डिस्टोपियन इवेंट है वो जिसमें डिस्ट्रक्शन होगी। जब याजूज माजूज की जो पहली पहला ग्रुप जब आएगा तो वो सब खा जाएगा इस दुनिया के अंदर ना, पत्थर ईंट जितने सब खा जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, और पानी भी सारा पी जाएगा। तो फिर जब उसका दूसरा ग्रुप आएगा ना, तो वो कहेगा कि यार हमने तो सुना था ये बड़ा हरा भरा है प्लानट, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है ना खाना है, तो वो फिर सारे बंदे बुंदे सब खा पी के वो ख़त्म कर देगा। तो वो एक काइंड ऑफ एक डिस्टोपियन इवेंट हमें देखने को मिलता है क़ुर्ब क़यामत में। वेल, तो ये है जी फोटोपिया, ठीक है, तो ये यूटोपिया से मिलता जुलता वर्ड है। तो एक्चुअली ये यूटोपिया ही है, कि पहले फ़ोटोशॉप को हम क्या करते थे, इंस्टॉल करते थे ना पूरा सीडी, मुझे याद है हम सीडी लेकर आते थे। तो और पता नहीं यहाँ पे उस तरह होता था या नहीं होता था, हमारे पास जब हम स्कूल में थे तो उस टाइम हम रेंट पे सीडी लेकर आते थे, मुझे अच्छी तरह याद है। वो 25 रुपये की सीडी होती थी अगर बाय करो उसको तो, और अगर उसको अब ला के ना इंस्टॉल करके वापस दे दो तो वो 25 रुपये की जगह 5 रुपये होता था पर डे। तो हम लेके जाते थे इंस्टॉल करके फटाफट, और उसको कॉपी भी करते थे, कॉपी करके हमने बैकअप भी एक बनाया होता था, वो सारे सॉफ्टवेयर का एक फ़ोल्डर होता था, तो पूरी सीडी को हम कॉपी करके उस फोल्डर में रख भी लेते थे कि हमें दोबारा लाना ना पड़े। तो वो 5 रुपये में ना उसको हम एक ही दिन में रिटर्न करते थे और 20 रुपये वापस कर लेते थे। तो इस तरह 25 रुपये में जो सीडी बाय करनी होती थी उसकी जगह 5 सीडीज आती थी अलग अलग। और उसको इंस्टॉल, अब सम टाइम ऐसा होता था कोई सॉफ्टवेयर हम लेकर आते थे, वो हम ले तो आते थे, कॉपी कर लेते थे अपने पास, लेकिन वो हमारी मशीनों में चलता नहीं था, क्योंकि वो होती थी 64 MB रैम, सोच सकता है अभी कोई, या 128 MB रैम मेरे पास, मुझे अच्छी तरह याद है मैंने जो कंप्यूटर यूज़ किया है, मेरा भी नहीं था वो, खाला थी हमारी, उनका कंप्यूटर था, उसमें 128 MB रैम होती थी, और उसमें फ़ोटोशॉप चलता ही नहीं था। तो ये काइंड ऑफ मेरे हिसाब से तो ये यूटोपिया है, कि यार आप जस्ट एक URL लिखा एंटर किया और ये पूरा फ़ोटोशॉप यहाँ आ गया। तो आ जाओ भाई इसको, अब इमेज को ना क्या करूँगा मैं, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ला के छोड़ूंगा इसको मैं, तो ये क्या हो गया, ये फ़ोटोशॉप पूरा इधर खुला हुआ है ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। अब इसका जो साइज़ है वो यहाँ पे मेरे पास है 4.6 MB। तो क्या 4.6 MB का जो साइज़ है वो सही है? अच्छा, और इसका जो साइज़ है पिक्सल में 5,500 पिक्सल हॉरिजॉन्टल और तकरीबन 4,000 पिक्सल जो है वर्टिकल, इसका साइज़ भी हमने यहाँ देखा था। तो क्या इसका जो साइज़ है एक्स में जो है विड्थ इसकी, वो क्या 5,500 होनी चाहिए? वो भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो स्क्रीन होती है आमतौर पे वो या तो 1,000 पिक्सल की होती है, 1440 पिक्सल तक की होती है, इससे ज़्यादा आमतौर पे पर्सनल कंप्यूटर्स में देखने को नहीं मिलती हैं स्क्रीन्स। तो अगर मैं इसको स्क्रीन किस पे कर दूँ, मैं अगर इसको मैं 1440 पिक्सल पे कर दूँ तो मेरा साइज़ इमेज का जो है वो किसी हद तक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं उसके लिए जाऊँगा सबसे पहले और इमेज में जाके, सही है, और इमेज साइज़ को मैं यहाँ से क्या कर दूँगा, कम कर दूँगा। मैंने कहा कि यार 1440, अच्छा, और नीचे वाले को मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूँगा तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, सही है, एस्पेक्ट रेशो को मेंटेन करते हुए। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे देखें आप पिक्सल पर इंच भी यहाँ पे 72 लिखा हुआ है, ये पहले से ही 72 है, तो मुझे इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बुक में इन्होंने कहा था कि भी 72 होनी चाहिए, और इसको मैं क्या कर दूँगा, ओके कर दूँगा। ओके करते ही क्या हो गया, ये इमेज अच्छी खासी छोटी हो गई, ठीक है, ये इमेज क्या हो गई, अच्छी खासी छोटी हो गई, ठीक है। यार ये इतनी पिक्सेलेट क्यों हो गई, क्या बकवास है ये,
एक स्लेट बहुत ज़्यादा हो गई थी, है ना? नहीं अभी मैंने इसको कंट्रोल जेड कर लिया, वापस कर लिया। अच्छा तो हम इस तरह नहीं करते हैं, हम इसको फाइल में जाके ना फिर हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट पे ही चले जाते हैं, ठीक है? ये एक्सपोर्ट एज करके जो आ रहा है इसमें हम जेपीजी सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको मैंने जेपीजी सेलेक्ट किया, ठीक है? हम यहीं से डायरेक्ट कर लेते हैं, ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है ना जो ये खुलता है, तो इसमें भी ये आ रहा होता है ऑप्शन इसको कम करने का। तो मैं अच्छा यहाँ पे ये मुझे बता भी रहा है कि ये 2.4 MB का होने वाला है इमेज, जिस तरह से ये है, ठीक है? यहाँ पे देखो क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटी में कम कर सकता हूँ, क्वालिटी 100% करूँगा तो ओरिजिनल साइज़ हो जाएगा जो था पहले, ठीक है? 13 MB या 13 MB, ये क्या चक्कर है? ये ओरिजिनली तो पता नहीं 4-5 MB का था, 13 MB का तो नहीं चाहिए। वेल तो हमने क्या करना है, हमने इसका सबसे पहले तो साइज़ छोटा करना है, 1440 कर दिया इसको मैंने सबसे पहले, ठीक है? 1440 करते ही इसका जो है वो क्या हो गया, साइज़ यहाँ पर देखें अब कम हो गया, और इसको मैं थोड़ा सा क्या कर दूँगा और कम कर दूँगा, 70% तक इसकी क्वालिटी को मैं ले आऊँगा, और उसके बाद मैं इसको ऑब्ज़र्व करूँगा, ठीक है? 200 KB का हो गया ये। अच्छा अब इसको मैं क्या करूँगा, ऑब्ज़र्व करूँगा कि क्या इसका जो साइज़ है बहुत ज़्यादा पिक्सेलेट हो गया यार ये, तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 80% तक ले जाता हूँ, 80-90 अगर पूरा 100 कर दूँ तो। अच्छा ये वाला पिक्सल का जो साइज़ है ना ये तो मैं बढ़ा ही नहीं सकता क्योंकि मैंने स्क्रीन पर दिखाना है इसको इतना ही बड़ा है, 1440 पिक्सल का दिखाना है मुझे इसको, ठीक है? जो मेरे पास एक लैपटॉप का स्टैंडर्ड साइज़ है, या मैं इसको 1024 करूँगा, बल्कि उससे भी कम करूँगा मैं, 1024, ठीक है? ये मेरा साइज़ होगा, तो इस वाले को मैं मज़ीद कम नहीं कर सकता। सही है, 1440 कर दिया इसको मैंने, और क्वालिटी को मैं क्या कर दूँगा, शायद इसको मैं 90% कर दूँ। अच्छा एक काम मैंने और भी करना था जो मैंने नहीं किया, इसको मैंने क्रॉप करना था, कट क्रॉप तो पहले करूँगा ना मैं इसको, 16:9 के रेशो पे लाना है मुझे इसको, ओहो इसको क्रॉप तो मुझे पहले करना पड़ेगा। यहाँ पे ये बटन आ रहा है क्रॉप का, मैंने ये दबाया तो ये क्या हो गया, क्रॉप हो गया। अच्छा अब ये क्रॉप के अंदर ना ये फ्री फॉर्म क्रॉप है, तो मुझे क्या करना है, 16:9 पे क्रॉप करना है इसको, जो एस्पेक्ट रेशो है, ठीक है? 16:9 का मतलब क्या है कि अगर चौड़ाई इसकी 16 है तो लंबाई इसकी 9 होगी, उस वक्त 16:9 का रेशो कहलाता है। तो मैं क्या करूँगा, ये क्या हुआ, 16:9, वाट इज हैपनिंग? अब मुझे इमेज को ऊपर या नीचे करना है तो कैसे? अच्छा हो गया, सही है, पहले पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था। तो मैं कहीं ना कहीं इसके दरमियान में ना इस तरह का एक पार्ट ढूंढ लूँगा। अच्छा मुझे एक्चुअली क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखना है, तो बेहतर ये है कि ऊपर वाली साइड ना ज़रा डार्क हो ताकि मैं वाइट कलर में उस पर टेक्स्ट लिख सकूँ, ठीक है? अदरवाइज़ मैं ऐसे भी सेलेक्ट कर सकता था यूँ, लेकिन यहाँ पे भी देखो लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है इस जगह पे, तो मैं क्या करूँगा इसको कुछ इस तरह से कर लूँगा, को चेयर के हल्के हल्के पैर कट गए, और यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट लिखने के लिए ना थोड़ा डार्क बैकग्राउंड मुझे नज़र आ गया। और मैं इसको अब क्या करूँगा, यहाँ पे टिक का बटन है, ये टिक का बटन मैं प्रेस कर दूँगा, तो ये क्या हो गई, इमेज क्रॉप हो गई। अब इमेज क्रॉप करने के बाद मैं अगेन अब एक्सपोर्ट अप करूँगा जाके JPG, ठीक है जी? और JPG में अभी ये 3.7 MB अगेन दिखा रहा है, मुझे क्या चाहिए, 1440, एंटर, ठीक है जी, 1440 हो गया ये, 1440 by 810 और पिक्सल, ठीक है, पिक्सल में सबसे सही है, और साइज़ इसका 90% है, इसको शायद मैं 95 कर सकता हूँ, ठीक है, 400 KB की इमेज हो गई। अच्छा क्या ये 400 KB की इमेज मुनासिब है, 400 KB का साइज़ क्या गुड इनफ है? देखो इमेज का जो साइज़ है उसका क्वालिटी से डायरेक्ट ताल्लुक होता है, जब मैं इमेज का साइज़ कम करता हूँ तो क्वालिटी भी साथ साथ क्या होती है, कम होती है, लेकिन मुझे दरमियान में कहीं पे ना इसको ऑप्टिमाइज़ करना होता है कि आया कि या तो मैं क्या करूँ, या तो मैं इमेज की क्वालिटी अगर बहुत अच्छी करता हूँ तो साइज़ भी बढ़ेगा, और अगर मैं इमेज का साइज़ छोटा करता हूँ तो क्वालिटी गिरेगी। अच्छा मुझे इमेज का साइज़ छोटा करना क्यों ज़रूरी है,
इमेज का साइज़ छोटा करना इसलिए ज़रूरी है कि जब पेज लोड होता है तो ये इमेज बाकायदा डाउनलोड होती है, तो जितनी छोटी इमेज होगी उतनी जल्दी लोड होगी। होस्टिंग कम खाएगा, हाँ बैंडविड्थ भी कम खाएगा और जल्दी लोड भी होगी। अब जैसे मैं लास्ट हमें कौन सी देख रहे थे, वो वॉच टू, ठीक है वॉच अल्ट्रा की हम देख रहे थे। अब इसके ऊपर जो इमेजेस इन्होंने लगाई भी है ना उसको ज़रा एनालाइज करते हैं कि उस इमेज का साइज़ क्या है। यार क्या, ठीक है सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो लगी हुई है इमेज इनके, एक्चुअली ये इमेज नहीं है ये वीडियो है, ठीक है जैसे ये एक इमेज है तो अब इसको मैंने देखना है। अच्छा ये ऐसा ना मूव नहीं हो रहा, इसको हम ज़बरदस्ती निकालते हैं। ओपन इमेज इन न्यू टैब लाइक दिस, ठीक है इसको मैं सेव करता हूँ और इसको सेव करके मैं जाके फिर चेक करूँगा कि इसका साइज़ क्या है। ठीक है जी ये इमेज क्या हो गई, सेव हो गई। अब इसका साइज़ जो है पूरा का पूरा 1 MB साइज़ है इसका, बहुत बड़े साइज़ की इमेज है ये। ठीक है इसको अगर मैं अपने पास ओपन करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से ओपन होती है, ठीक है बहुत अच्छी क्वालिटी की इमेज है लिहाजा इसका साइज़ भी क्या है बहुत बड़ा है। अच्छा लेकिन आप नोट करें इन्होंने चालाकी से किस तरह किया है कि जब ये वेबसाइट लोड होती है ना तो सबसे पहले ये लोड होता है। अच्छा जब जितनी देर में मैं नीचे जाता हूँ ना ये लोड हो चुका होता है, जब तक इन्होंने ये चालाकी की है कि फ़ौरन तो आपको चाहिए नहीं। अच्छा अगेन अगर मैं इसका क्या कर दूँ, कैशे क्लियर कर दूँ इस वेबसाइट का, तो आप नोट करेंगे कि वो लेट लोड होने लग जाएगी। वो वाली चीज़ कैशे कैसे क्लियर करूँगा, या राइट क्लिक करूँगा एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रीलोड। अब ये वेबसाइट आप देखें लोड हो रही है, लोड तो फ़ौरन हो रही है लेकिन इंटरनेट की स्पीड भी असल में हमारी शायद बहुत अच्छी है, तो हमें काम करते हैं इंटरनेट की स्पीड को स्लो कर लेते हैं थोड़ा सिमुलेशन करने के लिए ना। मैं नेटवर्क में गया और नेटवर्क में जाने के बाद ये थ्रॉटलिंग जो लिखा हुआ है यहाँ पे मैं गया और मैंने कहा स्लो 3G। अब स्लो 3G के ऊपर ये कैसे लोड होगी ये वेबसाइट पूरी की पूरी, राइट क्लिक एम्प्टी कैशे हार्ड रीलोड। अब यहाँ पे मुझे साइड में दिख भी रहा होगा ये, ठीक है ये पूरी की पूरी वेबसाइट अब लोड होना शुरू हुई है। ठीक है ये लोड हो रही है वेबसाइट ये। अच्छा यहाँ पे वो इमेज लोड होने वाली है हमारी, इस जगह पे कहीं वो इमेज लोड होने वाली है हमारी। ठीक है अच्छा खासा इसको टाइम लग रहा है। अभी तक लोड नहीं हुई है, हो रही है लोड स्टिल। ये मैंने स्लो 3G कर दिया ना इसको, स्लो 3G में शायद ये स्पीड हमारी जा रही है 500 KB तक जा रही है, शायद 500 KB से ऊपर नहीं जा रही। ठीक है ये देखो इमेज एक एक करके लोड हो रही है। अच्छा इसको अगर मैं फास्ट 3G कर दूँ, स्लो तो बहुत ही स्लो हो गया है, अब ये जल्दी जल्दी लोड होना शुरू हुई है। अब ये यहाँ पे भी आ जाएगी, ये आ गई यहाँ पे भी सही है। न्यू गट्स मोर ग्लोरी है। इसको अगेन मैं एम्प्टी कैशे करता हूँ और इसको मैं क्लियर करता हूँ तो आप देखते हैं ये सेकंड टाइम फास्ट 3G पे कितनी देर में लोड होती है। ठीक है ये जो न्यू गट्स है इसी के साथ वो इमेज आएगी, अभी आई नहीं है। अच्छा निस्बतन हमने देखा कि ऊपर वाला पहले लोड हो जाता है, ये नीचे वाला थोड़ा देर में लोड होता है। अभी हम ऊपर वाले का भी साइज़ चेक करते हैं कि कितना है साइज़ उसका। ये लोड हुआ तो काफ़ी देर लगाता है ये साइज़ लोड होने में। राइट क्लिक किया मैंने, ओपन इमेज इन न्यू टैब किया, तो ये इतना पार्ट एक अलग इमेज है और इतना पार्ट एक अलग इमेज है, सही है, और इस तरफ वाला जो पार्ट है ये एक अलग इमेज है, सही है, और ये वाला जो पार्ट है ये एक चौथी इमेज है। लेकिन ये क्या हो रहा है, इमेज के तौर पे ये दिख नहीं रहा मुझे, ये शायद इन्होंने CSS से बैकग्राउंड इमेज लगाया था इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा। ठीक है तो वैल ये अलग अलग तीन इमेजेस हैं, इन तीनों को अगर मैं सेव करता हूँ, इन तीनों को मैंने सेव किया,
ठीक है, चल के ज़रा इसको एनालाइज करते हैं कि क्या क्या साइज़ है इन इमेजेस का। ये 60 KB की इमेज है, ठीक है, ये वाली जो इमेज है वो 100 KB की है, और ये भी जो है वो ऑलमोस्ट 100 KB की है। तो आपने देखा कि नीचे उसने 1 MB की इमेज लगाई हुई है, लेकिन ऊपर जो है ना वो 100 100 की दो तीन इमेज है, यानी तकरीबन 300 KB तक का डेटा डायरेक्ट डाउनलोड होता है जैसे ही मेरा पेज लोड होता है, तो फर्स्ट टाइम मुझे जो ना वो दिख रहा होता है। अच्छा, इसी तरह हम किसी और वेबसाइट का भी हम ज़रा जायज़ा लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम AWS S3 करके एक पेज है, उसको ज़रा देख लेते हैं। इन्होंने तो कोई इमेज ही नहीं लगाई हुई उस्ताद, कोई इमेज ही नहीं लगाई हुई इन्होंने। वेल, नाइकी की वेबसाइट पे चलते हैं, उसको ज़रा देख लेते हैं कि उन्होंने किस तरह से किया हुआ। एकदम फ़ौरन लोड हुआ, आपने नोट किया ये? Yes, अच्छा, तो मैं इसका ये येलो वाला जो पैर है, ये ओपन इमेज का तो ये ऑप्शन ही नहीं दे रहा, चलो ज़बरदस्ती निकालते हैं, कोई मसला नहीं। इंस्पेक्ट एलिमेंट, ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैंने यहाँ पे क्लिक किया जब, तो ये एक्चुअली क्या है, ठीक है, ये एक इमेज आ गया। अच्छा, ये तीनों मिलाकर एक सिंगल इमेज है ये, ठीक है, इसका ये URL आ गया। तो मैं इस URL पे क्या कर देता हूँ, डबल क्लिक कर देता हूँ, कट कर लेता हूँ इसको, मैं ये आ गया जी मेरे पास, ठीक है। और इसको अगर मैं अब सेव करता हूँ, तो सेव करने से मुझे क्या पता लग जाएगा, 127, ठीक है, 129 ऑलमोस्ट के भी, 100 KB है ये भी ऑलमोस्ट। अच्छा, इसको अगर मैं स्क्रीन पे अपने ओपन करता हूँ, तो ये मुझे मतलब बहुत ज़्यादा कोई हाई क्वालिटी नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे मुझे ये, लेकिन वहाँ पे क्योंकि इन्होंने इसको छोटे साइज़ में दिखाना है, तो इसलिए इन्होंने इसको सही किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, इसकी विड्थ है 1534 पिक्सल है, ठीक है, 5000 पिक्सल इज़ नो यूज़, तो 1534 पिक्सल इसने इसका विड्थ रखी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से इस वेबसाइट में मज़ीद अगर आगे चलते हैं, जैसे ये एक प्रोडक्ट है, एक शूज़ है, इसकी अगर हम फ़ोटो की बात करें, इंस्पेक्ट, ठीक है, जॉर्डन एयर, ठीक है जी, ये हमारे पास जी एक डिव आ गया, तो इसका साइज़ हमें यहाँ पे 16 KB दिख रहा है, ठीक है, ये 16 KB साइज है इसका, इसको सेव करके भी चेक कर लेंगे। ठीक है, 23 KB यहाँ पे मेरे पास स्टोरेज पे सेव हुआ है। तो हमने देखा कि इमेजेस का जो साइज़ है ना, वो डिपेंडिंग ऑन साइज़, अगर फुल स्क्रीन के ऊपर इमेज दिख रही है तो उसका साइज़ 200 300 KB के अंदर अंदर ही है, और अगर वो इमेज मुझे छोटी इमेज है यानी थंबनेल टाइप की चीज़ है कोई, तो उसका साइज़ जो है वो 20 KB 40 KB के अंदर अंदर है कहीं ना कहीं। अच्छा, और अगर बहुत हाई क्वालिटी की इमेज है कोई, तो उसका साइज़ शायद 1 MB तक भी हो सकता है, लेकिन उसका डाउन साइड क्या होगा कि वो ज़रा देर में लोड होगी पर, ठीक है। लेकिन उन्होंने अगर प्रीमियम फील करवाना है तो फिर ये बेयर करना पड़ता है, ठीक है, जैसे एप्पल वालों ने प्रीमियम फील कराने के चक्कर में वो 1 MB की इमेज लगाई हुई है। अच्छा, ये जो इमेज लोड का चक्कर है ना, ये होता सिर्फ पहली दफ़ा में, क्योंकि पहली दफ़ा जब इमेज लोड हो जाती है तो उसके बाद क्या करता है, ये उसको कैशे कर लेता है, गूगल क्रोम जो है ना हमारा, ये उसको क्या कर लेता है, उसको कैशे कर लेता है। क्योंकि अगर मैं वॉच अल्ट्रा पे दोबारा जाऊंगा ना यहाँ से, और दोबारा जाके जब मैं उसको लोड करूंगा, सही है, तो ये फ़ौरन लोड होगी, क्योंकि एक दफ़ा ये लोड हो चुकी है। मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, कुछ मुझे पता नहीं लगेगा, डायरेक्ट इमेज लोड हो गई, ठीक है। ये सिर्फ पहली दफ़ा का गेम है ये, कि पहली दफ़ा में वो टाइम लगाता है, सेकंड टाइम में मुझे कितना फ़ील भी नहीं होगा इसको, सही है, कोई फ़ील नहीं होगा, क्योंकि वो जितनी भी बड़ी इमेज हो वो पहली दफ़ा सिर्फ लोड होता है, सेकंड टाइम वो दोबारा से उसको लोड नहीं करता, बल्कि उसको वो कैशे से उठा लेता है। अच्छा, तो मैंने अपनी इस इमेज का साइज़ जो है वो 1440 पिक्सल कर दिया, और
प्लस मैंने साथ में क्या कर दिया, इसकी क्वालिटी को थोड़ा सा कम किया है, इतना कम किया है कि ये 400 पे आ गया, लेकिन शायद मैं उसको 95 की जगह 90 पूरा कर देता हूँ, जिससे ये क्या हो जाएगा तकरीबन 300 KB पे आ गया ये। तो आई थिंक फ़िलहाल के लिए क्या है, गुड इनफ है। अच्छा, ये कन्वर्ट sRGB आई एम नॉट श्योर क्या चीज़ है, अगर इस पर से मैं चेक हटाता हूँ तो क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 316 चलो थोड़ा सा कम ही होता है इसकी वजह से, ठीक है। और क्वालिटी पे कितना फ़र्क पड़ता है इससे, ये भी देख लेते हैं ज़रा। रेड ग्रीन ब्लैक वाला सीन तो कलर वाला नहीं, sRGB असल में कलर प्रोफाइल है, sRGB ना कलर प्रोफाइल है, बाय डिफ़ॉल्ट भी ये sRGB होगा क्योंकि JPG में तीन ही कलर होते हैं। अच्छा, तो ये मैंने क्या कर दिया, 316 KB पे इसको सेव कर दिया। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ऑप्टिमाइज फॉर वेब करके ये फोटोशॉप में आ रहा होता है, यहाँ पर ये सेव फॉर वेब करके आ रहा है। अच्छा, तो मैंने इसको क्या कर दिया, सेव का बटन दबा दिया और ये इमेज क्या हो गई, सेव हो गई। जाके मैं देखता हूँ इसका साइज़ मेरे पास हार्ड ड्राइव में कितना शो हुआ है। डाउनलोड्स में गया मैं, ठीक है, ये मेरे पास क्रॉप हुई भी इमेज है और ये मेरे पास क्रॉप होने से पहले जो इमेज थी, दोनों के साइज़ में कितना डिफरेंस आ चुका है। पहले ये 4.6 MB की थी और इसका जो रेजोल्यूशन था वो कुछ ये था। अच्छा, अब ये क्या हो गई है, ओ ठीक है, पहले ये 4.6 MB था, अब ये 324 KB है, साइज़ भी इसका कम हो गया, सब कुछ कम हो गया, रेजोल्यूशन इसका पहले भी 72 था, अभी भी 72 है। अच्छा, तो मैंने इस इमेज को JPG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया है, अगर मैं इसको JPG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट ना करता, किसी और फॉर्मेट में करता, हो जरा करके देख लेते हैं किसी और फॉर्मेट में भी। फाइल में गया, एक्सपोर्ट एज, JPG पे ही सेलेक्ट किया मैंने, लेकिन मेरे पास JPG के अलावा यहाँ पे फॉर्मेट यहाँ पे और भी आ रहे हैं, तो मैं इसको 1440 ही रखा हुआ है और क्वालिटी को मैंने 90% ही रखा हुआ है, तो मेरे पास JPG में 316 का साइज़ आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको PNG करूँगा, जो कि इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये फ़ौरन 2.5 MB हो गया, ठीक है, और कोई क्वालिटी भी कोई इम्प्रूव नहीं हुई है, मतलब ऐसा नहीं कि क्वालिटी कोई इम्प्रूव हो गई है, अगर मैं इसको JPG करूँगा तो क्वालिटी ऑलमोस्ट वही है, बल्कि JPG में कुछ बेहतर ही दिखेगी। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इसको वेब पी करूँगा, ठीक है, जो कि JPG का ही एक कॉम्प्रेस्ड वर्जन है शायद, या नया वर्जन है, तो 316 से ये क्या मज़ीद नीचे आ जाएगा, यस 123 KB पे आ गया ये, ठीक है। अच्छा, इससे भी कोई क्वालिटी कुछ खास इम्प्रूव नहीं हुई है, क्वालिटी ऑलमोस्ट वही है जो JPG के अंदर है, ये मज़ीद कॉम्प्रेस्ड फॉर्मेट है वेब पी के नाम से। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास SVG है, GIF है, GIF भी करूँगा तो GIF और PNG काइंड ऑफ एक ही चीज़ है, जो बुक में उन्होंने जिक्र किया है, तो GIF करने से भी इसका जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है PNG जितना, लेकिन स्टिल 650-650 KB हो गया और मेरी इमेज मज़ीद पिक्सेलेट हो गई है, जितनी पहले थी उससे मज़ीद ज़्यादा पिक्सेलेट हो गई है, ठीक है। मैं अगर अगेन इसको वापस लेके जाऊँ JPG पे, तो आप नोट करेंगे कि बेहतर हो गई इमेज, तो GIF पे जाने से ये क्या हो रही है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रही है। अच्छा, इसी तरह मेरे पास एक TIFF है, जो कि GIF का ही एक वेरियंट है, TIFF। अगर मैं TIFF पे करता हूँ तो भी क्या होता है, ये इमेज 4.5 MB की हो जाती है। और ट्राई कर लेते हैं कोई बिटमैप BMP, इसको ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, बिटमैप में भी 3.3 MB है, बिटमैप के बारे में बुक में कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन आप अलग से पढ़ सकते हैं कि बिटमैप का जो फॉर्मेट है वो किस तरह की इमेजेस के लिए बेस्ट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसी तरह रॉ है, एक रॉ क्या होता है, रॉ एक फॉर्मेट होता है, जब आप डिजिटल कैमरे से कोई फ़ोटो खींचते हैं, यानी DSLR वगैरह से, तो उससे जो फ़ोटो प्रोड्यूस होती है वो रॉ फ़ोटो होती है, ठीक है। तो रॉ पे करने से क्या होता है, ये 4.4 MB पे चला जाता है, तो मेरे किसी काम का ये भी नहीं है। अच्छा, रॉ जो है वो किसी जगह पे इस तरह से इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। रॉ क्या होता है, वो मतलब कैमरे से जब खींचते हैं तो वो भी सेट करना पड़ता है रॉ पे, तो जब सेट होता है, तो वेब पी पे करके ना मैं इसको क्या कर देता हूँ। अच्छा, क्योंकि अब मैंने वेब पी के ऊपर कर दिया इसको, तो मैं इसकी क्वालिटी को शायद थोड़ा बढ़ा सकता हूँ, 90 कर देता हूँ, 252 है, ठीक है। उस पर 90 पे कितना आ रहा था, 300 something आ रहा था। अच्छा, इसको मैं अगर और बढ़ाऊँ, 97 करूँ, 400 हो गया, ठीक है। तो 95 तक इसको मैं ले जा सकता हूँ,
ठीक है, तो ऑलमोस्ट मेरे पास वही साइज वाला रेशो उसमें देखने को मिल रहा है वेब पी के अंदर भी। अच्छा तो वेल इसको मैंने जेपीजी में स्टोर कर लिया है, मेरे लिए फिलहाल वो गुड इनफ है जेपीजी, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ यहाँ से, और फोटोशॉप को मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा ये जो इमेज लगी हुई है बड़े साइज़ की है, इसको मैं हटाने लगा हूँ अभी। मैं अपने वी एस कोड में जाता हूँ और ये बैनर डॉट जे पी जी को मैं डिलीट कर देता हूँ। बैनर डॉट जे पी जी को मैंने डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद मैं वहाँ से अब जो अभी नई वाली इमेज है जो मैंने अभी अभी स्टोर की है उसको ड्रैग करके लाता हूँ। ठीक है, ये वाली इमेज है वो 324 KB की, तो मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ और ड्रैग करके मैं अपने इस इमेज के फोल्डर में ले आता हूँ। याद रखें जब भी आप इमेज लगाएंगे तो वो इमेज आपके फोल्डर में होनी चाहिए, जो आपकी रिपॉजिटरी है उसके अंदर होनी चाहिए। अगर आपकी रिपॉजिटरी में वो इमेज नहीं होगी, आप डी ड्राइव से कहीं पूरा यूआरएल लाके लगा देंगे तो वो आपकी मशीन में तो शायद चल जाए, लेकिन जब आप उसको होस्ट करेंगे तो वहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक वो आपकी रिपॉजिटरी के अंदर नहीं होगी वो इमेज, वो गिटहब के ऊपर पुश नहीं होगी। अब वो गिटहब पे जब तक पुश नहीं होगी तो आपको वो मिलेगी नहीं उधर। अच्छा तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे लाके लगा दिया। अच्छा अब मेरी इमेज की जो विड्थ है वो कितनी है, 1440 पिक्सल है, तो मैं इसको 1440 पिक्सल ही यहाँ पर लिखूँगा। ठीक है, 1440 पिक्सल लिख दिया मैंने। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये 1440 पिक्सल पे क्या हुई है, इमेज मेरी रेंडर हो गई है। ठीक है, तो मुझे क्या करना था, इसको एज अ बैनर लगाना था। ठीक है, अच्छा मेरे पास हल्का सा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ रहा है, तो मे भी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, CSS के थ्रू इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। CSS हम पढ़ेंगे जब, तो जब देख लेंगे कि इसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। अच्छा अब सवाल ये है कि क्या मेरे पास अगर अभी 1440 पिक्सल की स्क्रीन है मेरे पास, तो कल को मेरे पास छोटी स्क्रीन होगी फिर मैं क्या करूँगा। तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये होता है कि इस इमेज का मैं 3 या 4 या 5 वेरिएंट्स बनाता हूँ अलग अलग स्क्रीन साइजेस के लिए। ठीक है, और जब मेरा स्क्रीन साइज़ छोटा होता है, मिसाल के तौर पर टैबलेट के ऊपर आता है, तो मैं इस इमेज को हाइड करा देता हूँ और टैबलेट के लिए एक दूसरी इमेज को मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। उसके अलावा मैं इसी इमेज को ओवरफ्लो वगैरह करके भी, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें मैं इस इमेज को ओवरफ्लो करा के मैं गायब भी करा सकता हूँ कि जितनी स्क्रीन है उतना दिखे बाकी ओवरफ्लो हो जाए। तो इस तरह की भी सिचुएशन यहाँ पे क्या हो सकती है, मेरे पास हो सकती है। अच्छा तो ये इमेज मेरे पास दिख गई। अच्छा अब इस इमेज को, जो मैं कह रहा था ना कि 1440 पिक्सल की इमेज है, तो ये 1440 पिक्सल ही मुझे यहाँ पर लगाना है, तो इसका बेनिफिट क्या होगा। क्योंकि अगर मैं इसको ना भी लगाऊं तो इमेज जब भी इतनी बड़ी दिखेगी, मैंने रिफ्रेश किया अभी भी इतनी बड़ी दिख रही है, इसका बेनिफिट फिर क्या होगा, कोई तो बेनिफिट होगा इसका। अच्छा तो इसका बेनिफिट देखने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसके नीचे और इसके ऊपर कुछ एक दो पैराग्राफ्स लगा लेता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ में टेक्स्ट कहाँ से लाते हैं, बुक से ले आता हूँ। अच्छा ऊपर तो ये टेक्स्ट लगा हुआ है, नीचे मैंने पैराग्राफ लगा दिया, और अब इसको हम ज़रा चला के देखते हैं। रिफ्रेश करता हूँ, नीचे पैराग्राफ आ गया, ऊपर ये इमेज आ गई। इसको मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, इंस्पेक्ट करने के बाद मैं नेटवर्क में जाके इसको ज़रा स्लो कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि फास्ट इंटरनेट पे तो ये फील नहीं होगा। और मैं क्या करता हूँ, इसको एम्प्टी कैशे और हार्ड रीलोड करता हूँ। तो आप नोट कीजिएगा, नहीं सिमुलेशन तो करेगा नहीं ये। अच्छा इस पर ये सिमुलेशन काम नहीं कर रहा है, स्लो 3G किया उसके बावजूद उस पर काम नहीं कर रहा। तो दूसरा तरीका कर लेते हैं, एक गो लाइव करके हमारे पास ऑप्शन मौजूद होता है यहाँ। ठीक है, गो लाइव वाले पे करते हैं, इस पर इंशाल्लाह ये काम करेगा। मैं दोबारा नेटवर्क पे गया और स्लो 3G। ठीक है, ये सिमुलेशन असल में डेवलपर टूल्स हैं, कि डेवलपर जब उसको बना रहा हो ना वेबसाइट को, तो उसको सिमुलेट करके देख सके कि स्लो 3G पे ये कैसा चलेगा। अच्छा इस पर कस्टम स्पीड भी लगा सकता हूँ, मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ है, जैसे ऐड करता हूँ मैं, कहता हूँ यार 100 KB का एक बनाओ आप। मैंने कहा प्रोफाइल का नाम होगा 100 KB और स्पीड इसकी होगी 100 KBPS, और अपलोड स्पीड भी इसकी 100 KBPS होगी। सही है, और लेटेंसी होगी इसकी 70 ms, और ये मैंने ऐड कर दिया। तो लिहाजा अब क्या होगा, यहाँ पे मुझे ये 100 KB दिखने लग जाएगा। तो मैंने अपने इंटरनेट को क्या कर दिया,
100 kbps बना दिया। अब मैं इसको जब रिफ्रेश करूँगा तो आप नोट कीजिए क्या होता है, इमेज तो लोड हो रही है लेकिन इसने इमेज के लिए ना जगह छोड़ी हुई है, चपक के नहीं आया है ये पहले। अच्छा जैसे ही मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अगर मैं इसको नहीं लगाता हूँ तो क्या होगा कि मैं अपने पेज को राइट क्लिक करके एम्प्टी कैशे हार्ड रीलोड करता हूँ। ये क्या बकवास है यार, हैं 100 kbps बहुत ज़्यादा स्पीड है क्या? अगर मैं इसको स्लो 3G कर दूँ तो, हाँ ये देखो चपक के आ रहा है ना थोड़ी देर, उसके बाद ही नीचे जा रहा है। और इसको मैं अगर लगा दूँ तो ये वाला फिनोमेना ख़त्म हो जाएगा। ये असल में पूरा लोड हो जाए फिर इसको मैं रिफ्रेश मार दूँ। सही है, पूरा लोड हो गया ये। अब मैं इसको रिफ्रेश मारूंगा तो वो चपका हुआ इसको नहीं शो ऑन करना चाहिए। अच्छा एक्चुअली वो दोनों में चपका हुआ शो कर रहा है, पता है क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है, मैंने तो विड्थ लगाई है ना यहाँ पे, वो असल में तो हाइट मुझे लगानी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ दोनों में ये हल्का सा चपका हुआ क्यों शो करवा रहा है। तो इसकी हाइट मैं देख लेता हूँ क्या है, इसकी हाइट है 810, ठीक है। तो मुझे हाइट भी बतानी पड़ेगी यहाँ, जब भी तो वो हाइट पे भी जगह छोड़ेगा, ठीक है 810 पिक्सल। तो अब जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एम्प्टी कैशे हार्ड रीलोड, तो ये चपका हुआ एक दफ़ा भी नहीं दिखाएगा, डायरेक्ट देखो यहाँ पे नीचे ही आ रहा है, ये डायरेक्ट नीचे ही आ रहा है। और अगर मैं साइट को हटा दूंगा तो वो पहले चपका आएगा और फिर आगे होगा। अच्छा तो आप इमेजिन करें कि अब आपके पास कोई इस तरह की वेबसाइट है, कोई ई कॉमर्स स्टोर टाइप की वेबसाइट है जिसके ऊपर प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। अरे यार है ना, कुछ इस तरह की है। अब इसके अंदर जितनी भी इमेजेस हैं, जैसे ही ये पेज लोड होगा तो उस वक्त तो कोई इमेज नहीं होगी। अब उस वक्त ये सारा जो टेक्स्ट है ना, जो पूरी स्क्रीन के ऊपर ऐसे हुआ हुआ है, वो ऐसे यूं चिपका हुआ नज़र आएगा, पूरा पूरा ऐसे कोने पे ना एक पूरा गिट्ठा बना हुआ नज़र आएगा पूरे तमाम टेक्स्ट का। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इमेज लोड होगी तो वो एक एक करके ऐसे नीचे आएगा। तो वो पूरा का पूरा जो पेज है ना मेरा ब्रोकन फील करवाता है वो, कि वो एक दफ़ा जब लोड करता हूँ मैं तो पूरा का पूरा जो इमेज है वो क्या हो जाता है, वो टॉप पे शो हो जाता है पूरा का पूरा टेक्स्ट। और जैसे जैसे इमेज लोड होती है वो टेक्स्ट थोड़ा थोड़ा करके नीचे आता जाता है और इवेंचुअली वो पूरा का पूरा पेज मेरे पास रेंडर होता है। तो ये जो फिनोमेना है ना, ये अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं दे रहा होता, ये इसमें ये यूज़र एक्सपीरियंस का फ्लॉ है। और आपका पेज जो है ना, यूज़र को ऐसा फील होता है कि ये ब्रोकन है पेज आपका, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इमेज के अंदर हम विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट लगाते हैं, जिससे क्या होता है अगर पेज लोड होता है तो इमेजेस भले लोड ना हो लेकिन जो टेक्स्ट है वो इमेज की जगह छोड़ के रेंडर हो, अपनी जगह पे जहाँ उसने होना है वो वहीं पे रेंडर होगा, कहीं और रेंडर नहीं होगा, ठीक है। जस्ट लाइक दैट, इसको मैं जूम आउट कर दूँगा, ठीक है, ताकि आपको ये ऊपर वाला टेक्स्ट और ये नीचे वाला टेक्स्ट एक साथ दिखे। तो मैं इसको अगर राइट क्लिक करके एम्प्टी कैशे करता हूँ तो ये जब रीलोड होगा तो ये दोनों टेक्स्ट अपनी अपनी जगह पे आ रहा है, ऐसा नहीं होता कि ये चपका आ रहा है और बाद में ये अलग हो रहा है। अच्छा जी, तो हमने क्या बात पढ़ ली, ये वाली जो बात है ना हमने, ये जो इमेज के फॉर्मेट वाली बात है और ऑप्टिमाइज फॉर वेब वाला जो पूरा का पूरा टॉपिक है, वो हमने क्या कर लिया, प्रैक्टिकल करके देख लिया। अच्छा तो मुझे यार लग रहा है थक गए हो तुम लोग, थक तो नहीं गए? अब ये इमेज रेजोल्यूशन वाली डिस्कशन है, ये इंटरेक्टिव डिस्कशन है, आप लोगों से बहुत सारी बातें मैं पूछूंगा और बहुत सारी बताऊंगा, अगर बोलोगे तो ये अभी पढ़ते हैं, अदरवाइज़ ये हम, अच्छा एक काम करते हैं ना, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो ये करो कि अपने जो अभी तक हमने बात सीखी है, ये फॉर्मेट वाली और ये ऑप्टिमाइजेशन वाली और ये विड्थ हाइट वाली सारी, ठीक है, तो ये ज़रा अपने पड़ोस वाले को समझाओ आप, आपके पास 10 मिनट है।